वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में, मैं विभावी दीक्षित। अगर वैक्सीन लगवाने के लिए आपको लजीज बिरयानी मिले, बाइक मिले, सोने के सिक्के, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मिक्सर जैसी चीजें मिले, तो क्या ख्याल है आपका? वैक्सीन लगवाने जाएंगे या अभी भी बस दूसरों को जीतते हुए देखेंगे? खैर, ये सब जीतना सबकी किस्मत में नहीं है। ये सारी सुविधाएं सिर्फ एक राज्य में है। कौन है वो लोग जो वैक्सीन लगवाने पर फ्री में बांट रहे हैं बिरयानी, और ये मेहरबानी किस राज्य की है, सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना ने सबके अंदर के हीरो को जगा दिया है। कोई लोगों को फ्री में घर पहुंचा रहा है, तो कोई गरीबों में खाना बांट रहा है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहा है, तो कोई प्लाज्मा डोनेट कर रहा है। अब वैक्सीन लगवाने लोगों को घर से बाहर निकालने के लिए चेन्नई के एक एनजीओ ने अनोखा कदम बढ़ाया है, जिसमें वैक्सीन लगवाने वालों को फ्री में स्वादिष्ट बिरयानी मिलेगी। लोग कोरोना के डर से वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, लेकिन बिरयानी की खुशबू शायद उन्हें जरूर खींच लाएगी। सीडीएस फाउंडेशन के संस्थापक सुंदर का कहना है कि हम काफी समय से सरकारी गांवों में सामाजिक कार्यों का हिस्सा रहे हैं। हमने जाना कि कोरोना में वैक्सीनेशन ही मेन एजेंडा है, लेकिन लोग सोशल मीडिया में वैक्सीन को लेकर सर्कुलेट हो रहे निगेटिव संदेशों से डरे हुए हैं। इसलिए हमने सीएन रामदास ट्रस्ट और सिराज ट्रस्ट के साथ मिलकर विचार किया कि किस तरह से हम लोगों को वैक्सीन के लिए बिरयानी, बम्पर प्राइस और रिचार्ज के कॉन्सेप्ट के साथ अट्रैक्ट कर सकते हैं। सबके समर्थन के साथ हमने ये काम शुरू किया। इस कॉन्सेप्ट से पहले लगभग 50 लोग ही वैक्सीनेटेड थे, जबकि पिछले 3 दिनों में हमने 400 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन करवाया और 738 लोगों ने वैक्सीनेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। कहा जा सकता है कि लोग बिरयानी और प्राइस के लालच में वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद वैक्सीनेशन में सरकार की मदद करने के लिए आगे आना है, और ये आइडिया सही तरह से आगे बढ़ भी रहा है। आगे हमारा टारगेट दूसरे गांवों में जाना है, और ईश्वर की कृपा से हम आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने के लिए चेन्नई के एसजीएस फाउंडेशन का ये तरीका आपको कैसा लगा, और आपने अभी तक वैक्सीन लगवाई या नहीं, बताएं कमेंट बॉक्स पर। और बाकी की जानकारियों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।